ना बंटू को मारा। सिद्धपुर के कुमरेश्वर धाम के अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा सर हमारे साथ मौजूद है। हम सब जानते हैं कि शिव की होली के दौरान उनके साथ एक छोटा सा हादसा हुआ था। हमारा सब ये किस तरह का हादसा हुआ था और कितनी दिक्कतें? देखिए, होली का आयोजन था आस्था में, उसमें कोई भगत लोग होंगे, श्रीफल भेंट करने के लिए हुआ होगा, तो लग गया था। अब ठीक है, परंतु बाबा की कृपा दृष्टि है और सब सरल से आनंद से स्वस्थ हैं, पहले से बहुत आराम है। शीघ्रति शीघ्र व्यासपीठ पर बाबा की कथा का वाचन करेंगे, यही बाबा से कब से कथा शुरू करेंगे? मई के महीने में बाबा की कृपा से कथा प्रारंभ बहुत सारे देश विदेश के अभी भी जो आपके भक्तगण हैं वो उद्वेलित हैं, तो उनसे क्या कहना करेंगे। चाहेंगे बस आप? नहीं कहना चाहूंगा, मैं स्वस्थ हूँ, बाबा की कृपा है, शीघ्र शीघ्र और जल्दी आराम लग जाएगा और आप लोगों के बीच में जल्दी से ही शिव महापुराण की कथा का आनंद लेने के लिए। भारत देश में लोकतंत्र का पर्व चुनाव चल रहा है, मतदान की अपील को लेकर क्या कहना चाहेंगे इतना देशवासियों? ही निवेदन करना चाहूंगा संपूर्ण देशवासियों से, ये हमारा अधिकार है मत देना, और अपने आनंद के साथ वोटिंग करिए और बड़े उत्साह के साथ में अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने के लिए प्रेरित करिए, और अपने क्षेत्र में जहां पर वोटिंग केंद्र है वहां पर जाइए और वोट अवश्य दीजिए, जिससे हमारा पूर्ण तरह से लोकतंत्र मजबूत हो और आनंद का विषय। तो हमने देखा कि बाबा ने बहुत सहजता के साथ ये बात कही है कि एक छोटा सा हादसा था, वो उभर चुके हैं और बहुत जल्दी वो व्यास घाटी पर फिर से शिव भक्तमय कलयुग को जो है शिव युग बनाने की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रदीप मिश्रा, न्यूज 18, सीओ।